अस्सलामुअलैकुम, जुम्मतुल मुबारक। आज 4 अगस्त का दिन और आज की हमारी जर्नी रहेगी सक्खर से शिकारपुर और ये जीरो पॉइंट का मकाम है। यहाँ पर हमारी टीम मेंबर्स आप देख रहे हैं, सबसे पहले मुजीर अंसारी जो आज हरे कलर में नज़र आ रहा है। दिखाओ यार हरा कलर ये, और ये खास ग्रीन कलर है जिसका हम पूछ रहे हैं कौन सा ग्रीन कहलाता है, मुझे नहीं पता था। और ये ताहिर अपने कपड़ों पर ये मूछी लगा कर आ गए, ये आपको दिखाएंगे, ज़रा करीब दिखाओ भाई। ये मूछी इसकी मूछी है भाई ताहिर, अपनी ये नीचे लगा दी, अपनी ये दूसरी वाली वो उसने नीचे लगा दी। और शाह साहब हमेशा की तरह हमारे साथ हैं और शाह साहब इंशाल्लाह इस हफ्ते में प्लान करें इस्लामाबाद के सफ़र का, तो कुछ दिन वो वहाँ पर अपना आराम भी करेंगे और रिलैक्स भी होंगे। तो शाह साहब क्या प्रोग्राम बना है आपका? मैं बस एक हफ़्ते के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, थोड़ा मेरे का मौसम का एंजॉय करके आएँ, मरीज वगैरह घूम फिर के रिलैक्स थोड़ा करें, आराम करके थक जाते हैं। अच्छी बात है और होना चाहिए, जहन को रिलैक्स करने के लिए, जिस्म को रिलैक्स करने के लिए। और अभी हम ये जो जीरो पॉइंट के मकाम पर हैं आप देख रहे हैं, ये अपना लिफ्ट कच्चा कहलाता है, सक्खर का वो इलाका है और दूर दूर तक आप पानी पानी देख रहे हैं। लेकिन हम सर्दियों में देखते हैं तब यहाँ पर ज़मीनें काश्त हो रही होती है, लेकिन अभी ये पानी जो है जो जुलाई अगस्त होता है उसमें पानी आ जाता है, तो जहाँ तक नज़र जा रही है ये आप पानी देख रहे हैं। तो ये वो मकाम है जीरो पॉइंट का और हम शिकारपुर के लिए निकलेंगे, ये रोड आपको दिखाएंगे जो हम शिकारपुर के लिए इख्तियार कर रहे हैं। हमारा सफ़र जारी है और ये जीरो पॉइंट का रोड है, सिटी स्कूल से होकर शिकारपुर जेपाबाद के लिए निकलता है और आज शिकारपुर शहर के लिए। ये आपको दूसरी जानब खेत नज़र आ रहे हैं जो सक्खर के करीब के इलाकों में जो गांव है लखन और खोसो कबाइल के, ये फसल है और इस वक्त ये चावलों का फसल काश्त किया हुआ है। तो इस तरह से 6:30 बजे हम शिकारपुर शहर पहुंचे हैं और ये शिकारपुर शहर का दाखिली रास्ता है और इस तरफ से डिस्ट्रिक्ट प्रिजन शिकारपुर है जहां पर हमने पहले कैंप भी किया है इसी साल में। शिकारपुर शहर का दाखिली रास्ता हमने इख्तियार किया है, चाय शाय रेस्टोरेंट है शिकारपुर शहर में, एक बहुत खूबसूरत लोकेशन पर ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहाँ पहुँच रहे हैं चाय शाय रेस्टोरेंट, एक अच्छी तादाद मौजूद है। समाधा आश्रम शिकारपुर में मौजूद हैं और साईं नारायण भजन साहेब, नारायण भजन साहेब उनके ये सेवादार हैं, जेकबाबाद शहर से इनका ताल्लुक़ है। सनी कुमार वो फ़ोन अतिया कर रहे हैं और ये इनका अतिया ऐसे मरीज़ के लिए जिनको ये जानते नहीं हैं, लेकिन इनकी ये डोनेशन ब्लड की तमाम इंसानियत के लिए वक्फ की जाएगी। और आज की जो हमारी ज़रूरत है वो थैलेसीमिया के मोहताज जो बच्चे होते हैं जिनका खून नहीं बनता और उनके रिश्तेदार दोस्त बाप भी उनको खून नहीं दे पाते, तो सनी कुमार उन बच्चों के लिए ये ज़िंदगी का ज़रिया बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया सनी कुमार। चाय शाय रेस्टोरेंट है शिकारपुर शहर में, एक बहुत खूबसूरत लोकेशन पर ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहाँ पहुँच रहे हैं चाय शाय रेस्टोरेंट, एक अच्छी तादाद मौजूद है चाय शाय रेस्टोरेंट शिकारपुर शहर में। ये एक आउटडोर रेस्टोरेंट है और चाय के हवाले से यहाँ पर ये रेस्टोरेंट खुला है, बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है। और ये हमारा साथी मुजीर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, साथ ही साथ आपको इसका पूरा हम दिखाते हैं किस तरह से ये रेस्टोरेंट है। ये आप देख रहे हैं सारे यहाँ पर यंगस्टर बैठते हैं, चाय शाय रेस्टोरेंट शिकारपुर शहर में बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है। और साथ ही अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरफ से तो ये आप देखें खूबसूरत मंज़र चाय शाय रेस्टोरेंट का, ये लोकेशन इस चाय शाय रेस्टोरेंट की है और यहाँ से हम अगर जाएं तो आपको दिखाते हैं इस तरह से ये
चाय शाय रेस्टोरेंट बना हुआ है, बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है शिकारपुर शहर में। तो आज हम यहाँ वर्किंग कर रहे हैं। मुराद उन्नड़ है और ये लड़का जो है माशाल्लाह ये काम करता है इस चाय शाय पर। और ये इस वक्त अपना प्राइस के लिए ये बना रहा है। और ये इनका किचन है यहाँ पर, यहाँ पर ये दोस्त हमारे नज़र आ रहे हैं आपको। और ये फ्राइज तैयार किए जा रहे हैं यहाँ पर। बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है शिकारपुर शहर में, अगर आप लोगों का यहाँ पर आना हो तो ज़रूर विज़िट करें यहाँ शिकारपुर शहर में। आपका नाम क्या है बेटा? इमरान अली। यहाँ पर आपको सर्व करेगा। और ये शिकारपुर शहर में ज़्यादातर जो लोग होते हैं शिकारपुर के पढ़े लिखे लोग, वो इस रेस्टोरेंट का इंतखाब करते हैं। के तकरीबन 11 बज चुके हैं और हम शिकारपुर से सक्खर वापस आ चुके हैं। और ये रोड जो है इमदाद आवान रोड कहलाता है। ये रिवर सिटी हॉस्पिटल जो सक्खर शहर में एक जनरल हॉस्पिटल बना है बहुत बड़ा, ये आप वो देख रहे हैं। और ये हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर इस रोड पर, इमदाद आवान रोड पर। और ये इमदाद आवान रोड पर IBA यूनिवर्सिटी भी है सक्खर की। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे हमारे दोस्त होते हैं जो रेगुलर डोनर्स होते हैं, तो उनसे हम मिलेंगे। और यहाँ पर अभी मौसम बेहतर है शिकारपुर की बनस्पत, चाँद भी आप देख रहे हैं। तो अभी हम सक्खर में पहुँच गए हैं और यहाँ पर हब्स नहीं है, हवा चल रही है, वो अच्छा मौसम है इस वक्त। हमारा सफ़र था सक्खर से शिकारपुर, लेकिन शिकारपुर में गर्मी हब्स की वजह से हमें इतने डोनर्स नहीं मिल सके। फिर हम आए सक्खर में इमदाद आवान रोड पर, जहां पर IBA के स्टूडेंट्स की जानिब से हमें ब्लड डोनेशन मिल सकी। और अभी हम सक्खर का बहुत एक मशहूर रोड है और डबल रोड कहलाता है, मिल्ट्री रोड सक्खर। ये आप देख रहे होंगे मेरे अकब में मिल्ट्री रोड सक्खर जो हमेशा रोशन रहता है उस पर मौजूद है। और अभी मैं अपने ब्लॉग का भी इख्तिताम कर रहा हूँ। तो आप सब दोस्तों को यही दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।